गर्मी के मौसम के अपने कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। जब गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप में होती है तो लू लगने की संभावनाएं अधिकतम होती है। खुद को लू की गर्म लपटों से सुरक्षित रखने के लिए कुछ पारंपरिक उपाय आजमाकर आप दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। पहले जानते हैं लू लगने के कारण और लक्षण। शरीर में आवश्यक जल और नमक की कमी होने से रक्त संचार बाधित होना, खुले शरीर धूप में निकलना, अचानक ठंडे से गर्म स्थान में प्रवेश करना, शरीर के असंतुलित तापमान के कारण लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। नतीजतन अचानक शरीर का तापमान बढ़ना, सिर में तेज दर्द, नाड़ी तथा सांस की गति तेज होना, डिहाइड्रेशन के लक्षण जैसे चक्कर आना, दस्त लगना, मिचली होना, त्वचा पर लाल दाने हो जाना, बार बार पेशाब आना, शरीर में जकड़न होने जैसी समस्याएं सामने आती है जिससे किडनी, दिमाग और दिल की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप लू की चपेट में आ गए हो तो ये पारंपरिक उपाय आजमा सकते हैं। अपनी नाभि पर खड़ा नमक रखें और उस पर पानी की धार बनाकर डालें। अगर लू लगी होगी तो नमक के टुकड़े हो जाएंगे। अपनी उंगलियों पर इमली के बीज पीसकर लगाने से भी लू से छुटकारा मिलता है। प्याज का रस हथेलियों और पैरों के तलवों पर लगाएं। कैरी का पना पुदीना पत्ती डालकर पिएं। गीला कपड़ा बार बार चेहरे पर रखें और कपड़े को बार बार बदलें। प्याज का सेवन अधिक करें। बाहर जाते समय कटे प्याज को जेब में रखें। 104 डिग्री से अधिक बुखार होने पर बर्फ की पट्टी सिर पर रखें। रोगी को तुरंत प्याज का रस शहद के साथ मिलाकर दें। जब रोगी को बाहर ले जाएं, तो उसके कानों में गुलाब जल मिलाकर रुई के फाहे लगाएं। जौ का आटा व पिसा प्याज मिलाकर शरीर पर लेप करने से लू से तुरंत राहत मिलती है। रोगी को बर्फ का पानी न पिलाएं, इससे लाभ के बजाय हानि हो सकती है। लू लगने पर तत्काल योग्य डॉक्टर को दिखाएं।